अल्लाह करे हो जाए बस ये काम भी, फिर इसके पीछे फिर आएंगे। वाओ बकरी, बकरी पहाड़ पे चढ़ गई। वाओ बकरी पहाड़ पे चढ़ गई और दूसरी तरफ उतर गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, ज़बरदस्त एकदम चकास। तो फ्रेंड्स फाइनली हम उठे, बहुत ज़बरदस्त धूप है यार, बहुत मज़ा कर रहा है कसम से। सुबह से यार आज काम को दिल नहीं कर रहा, बहुत काम है आज के दिन। अच्छा, लेकिन सुबह से व्लॉग भी नहीं स्टार्ट की थी, बस अब कहा कि दिन तो गुजर रही है, ऐसे ना हो कि रात हो जाए, अभी व्लॉग स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट काम करते हैं, मार्केट जाते हैं, किसी को पैसे जैस कैश पे भेजने हैं टेस्ट के लिए, तो वो करते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ गप लगाते हैं। तो लेट्स गो। इसी ने फ्रेंड्स निकल आए घर से, आज के दिन हमें गाड़ी भी बस फुल एंड फाइनल पूरी करनी थी, लेकिन अभी 3 बज रहे हैं, अभी दानी भी चला गया, ये देखे दानी। अब लेट उठे भी लेट, और फिर दिल भी नहीं कर रहा था, 2-3 घंटे तो उठने में लग गए, अभी 3 बज रहे हैं, तो अब जाएंगे, 5-6 तक रात हो जाती है, तो काम भी पूरा नहीं हो जाएगा। काम असल में 2 जगहों पे है ना, रिंग रोड पर भी हमारा काम है और नासिर बाग रोड पर भी है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट है ना, दूर भी है एक दूसरे से। तो लेट्स सी क्या करते हैं, ट्यूनिंग वाला काम ज़रूरी था, लेकिन इलेक्ट्रिक काम भी ज़रूरी था, सॉन्ग्स वोंग्स नहीं लगते फिर गाड़ी में, तो सॉन्ग्स हम सुनते हैं ना। ये देखे फ्रेंड्स इनको, छोटे बच्चे कितने छोटे, वो एक के नाक को देखे बेचारे, ये आए होते सुबह सवेरे शाकस से, वो भी शाकस जा रहे। फ्रेंड्स हमारा काम नहीं हुआ, अब जाएंगे फिर 6, वो वहाँ होगा नवाब मार्केट, तो वहाँ जाएंगे अब। हाँ तो फ्रेंड्स निकल आए टूट पर टूट में, जा रहे फिर 6 नवाब मार्केट, ये पैसों वाला काम करना है। मसला ये है कि ये काम आज ही करना है ना, तो यहाँ से तो नहीं हुआ, आप जाएंगे फिजिक्स, इन्होंने बताया भला करे कि वहाँ हो जाए, वहाँ भी ना हुआ तो फिर ढूंढेंगे, सीएनजी भी इतनी नहीं है हमारे साथ, उसके बाद सीएनजी डालेंगे, शायद ट्यूनिंग के पीछे चले जाएं, वो ट्यूनिंग वाला मसला भी है ना, सुबह सवेरे इंजन ठंडा होता है तो मसला करता है। ये एक बार ठीक हो जाए तो फिर ये टूट बटूट वाला चैप्टर थोड़ा सही हो जाएगा ना, मतलब आजकल तो हर वीडियो में बस टूट बटूट ऐसे और टूट बटूट वैसे, डेली लाइफ डेली व्लॉग्स है हमारे ना, मतलब डेली रूटीन जो होती है तो वही मैं दिखाता हूँ, तो आजकल तो बस सारा इसमें वो है। ये फ्रेंड्स आई एम साइंस यूनिवर्सिटी है फेज 7 में, और इसके बाद ही वह डायरेक्ट फेज 6 स्टार्ट हो जाता है, ये लास्ट BRT स्टेशन है, ये फेज 6 में अब हम इंटर हुए। यहाँ फेज 7 और फेज 6 आपस में बहुत नज़दीक है, फेज 1 भी वदीद लोग पहले यहाँ रहते थे, फेज 7 से पहले जब उनके बाबा फोत नहीं हुए थे ना। BRT बस के काम को देखो, ये क्या कर रहा है, अब इसको ये इजाज़त किसने दी है, यहाँ पर यूटर्न लेगा, ले सकता है कि नहीं कमेंट में बताए। तो यहाँ पर सवर घर भी यहाँ से दिखता है वदीद लोगों का, किधर था कौन सा घर था यार, अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो सामने अभी यहाँ आपको नहीं दिखेगा, वो F10A के क्या ही है। हाँ यहाँ पर पहले क्रिकेट बहुत होती थी हम उस टाइम पे, ये रोड बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी लोगों को ये रोड बहुत पसंद है इलाहाबाद में। ये देखे फ्रेंड CNG भी एक टक है, आप मार्केट तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ से CNG के पीछे जाएंगे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, अब तो सही हुई है अब, लेकिन मैं अभी तक दिमाग उस चीज़ में अटका है ना, और जो ख़राब थी उसी तरह। ये फ्रेंड नवाब मार्केट है, यहाँ गए अब वो शॉप ढूंढते हैं, किसे पूछते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स फाइनली एक काम तो हो गया हमारा, पैसे सेंड हो गए, अब जाएंगे रिंग रोड, वहाँ CNG भी डालेंगे, ट्यूनिंग भी करेंगे। वाओ तेज चली गई बेट, इसी ने फ्रेंड्स देखो जूस पियो। क्या बताऊं फ्रेंड्स किस तरह पहुंच गए कसम से, आज तो ये जहाज पहुंचा है,
इतना मुश्किल से दिको दिको पर पहुंच गए ना, बस यहाँ तक पहुँचते ही सीन जी खत्म हुई। ये देखिए मुझे तो नहीं लग रहा था कि पहुंच जाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ पहुंच गए भाई साहब। सीन जी मुकम्मल खत्म हुई, मुझे तो अभी सही पता चला जब आगे वाला गाड़ी आगे चला स्टार्ट कर रहा था तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही, मतलब तीन चार गाड़ी आगे हो जाए फिर जाते ट्यूनिंग अगर खुला हो तो, आते वक्त तो खुला था वो पीछे, अब जाते वक्त ऐसे ना हो के बंद हो तो फिर आएंगे। सलाह करे आज हो जाए, इतना टाइम नहीं लेता ऐसी ने भाई लोग। अब यहाँ इतफाक से इंजी में अगर आपको दिखाता हूँ। वाओ अमेजिंग, ये चेक करो फ्रेंड, ये देखे फ्रेंड्स यहाँ लाइन में खड़े। ये जगह HBK और मैकडोनल्ड्स के साथ ही है, वो देखे वो HBK उस साइड पे मैकडोनल्ड ड्राइव थ्रू का बोर्ड दिख रहा है। फाइनली फ्रेंड्स इस गाड़ी के पास हमारा नंबर है टूट बटूट का, और वो फॉक्सी चेक करे ज़रा, वो देखे वो रेड फॉक्सी क्या ज़बरदस्त लग रही है यार। वो देखे फ्रेंड्स फॉक्सी को इधर ही आ गई, सबर फिर जाते उसके पीछे थोड़ा। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रही है, सनरूफ भी है ऊपर, वाह ऊपर सनरूफ भी है भाई। दिल कर रहा है इसके नज़दीक जाए थोड़ा पूछे, टाइम नहीं है इतना हमारे साथ यार, पहले यहाँ खड़ी थी लेकिन चली गई। वाह अंदर से भी मुकम्मल सेट की। ये सुने फ्रेंड्स टूट बटूट के दोनों टायर पंचर है आगे वाले, अब ये सही करेंगे फिर जाएंगे यहाँ पर उसी CNG पंप में खड़े। ये सीन है फ्रेंड्स, अल्लाह करे वो ट्यूनिंग आज हो जाए यार, मैं जिसके पीछे आया था वो काम छोड़ा ही और काम कर रहा हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली पंचर लगवा दिए हमने, अब जा रहे हैं ट्यूनिंग के लिए, देखते हैं अभी हो जाएगी या नहीं ट्यूनिंग। मुश्किल है कि अभी हो जाए, मगरिब का टाइम हुआ वो भी मुश्किल है ना, इस टाइम तक बंद होगी, फिर भी चलो देख लेंगे, क्या पता टाइमिंग चेंज की हो, अल्लाह करे हो जाए बस ये काम भी, फिर इसके पीछे फिर आएंगे। वाओ बकरी, बकरी पहाड़ पे चढ़ गई, वाओ बकरी पहाड़ पे चढ़ गई और दूसरी तरफ उतर गई। बकरी पहाड़ पे चढ़ गई, ये देखे बकरी को फाइनल ये ट्यूनिंग हो रही है। फ्रेंड्स ये सुने ट्यूनिंग नहीं हुई, ट्यूनिंग वाला भाई कह रहा था कि इसमें अभी भी मसला है, इस इंजन में एक वाल में मसला है नीचे एक वाल, इसे फिर तुम उसी मैकेनिक के पास लेके जाओ, उसे बोलो कि एक वाल में मसला है नीचे, वो सही करेगा उसके बाद आओगे फिर ट्यूनिंग करेगा। अब जा रहे हैं वापस घर, फजल उस्ताद के साथ फिर मिल लेंगे, उसके साथ वो चाबी भी है इसकी लॉक की, गेट लॉक करने की चाबी वो भी उठा लेंगे, ये टैप भी सही कर लेंगे और लाइट्स भी, ये मसला भी बता देंगे। व्हाट आर यू, पीछे से गाड़ी है यार मैंने तो अभी देखी। ये फ्रेंड जा रहे ग्लोरिया जीन्स के साथ है, देखे सामने वो व्यू दिखा रहा था वो मस्जिद वाली, लेकिन इतने ज़्यादा दरख्त है ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो ये सीन है फ्रेंड्स, काम रहता है कुछ होगा या कुछ रहता है वो जब चले जाएं तो फिर करेंगे। इंजन का काम जो किया था तो उसमें अंदर एक वॉल छोड़ा है तो वो काम करेंगे, उसके बाद ही पूरा काम हो जाएगा ना। टेला को देखे, हाँ भाई साहब क्या चल रहा है, फोक चल रहा है या नहीं चल रहा है, मेरे और उसकी लड़ाई हुई थी मुझे तो अब याद आया। जाओ देखे फ्रेंड्स कौन है हमारे साथ। ये फ्रेंड्स बाबा गया था लाहौर काम के सिलसिले में, तो आज वापस आए, कसवा बेबी के लिए ये डॉल लाई है और ये शूज चेक करे कितने प्यारे हैं, कसवा बेबी को डॉल बहुत पसंद आ गई, ये देखे टडा माशाल्लाह माशाल्लाह। कमेंट में बताएं फ्रेंड्स कैसे लगे आपको कसवा के शूज है के क्या है। और ये नकाश की फेवरेट मॉन्स्टर ट्रक, ये फ्रेंड नकाश को बहुत पसंद होती है, वीक में दो तीन को इस तरह खराब करता है। और ये कसवा बेबी का बेड आ गया, ये देखे फ्रेंड्स लकड़ी का बना हुआ बेड है, यस मेज टेबल पूरा सिस्टम है, ये चेक करें कितना क्यूट है। ये देखे फ्रेंड्स नकाश को बहुत
पसंद होता है। स्टार्ट हो गया बस अब के साथ फ्रेंड, आज की व्लॉग को हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑल पे करें। वस्सलाम।